आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार में धोखा या परेशानी हो आपके अपने दिल की, आपका अपना पर्सनल लाइफ हो या रिलेशनशिप लाइफ, आपकी दांपत्य लाइफ हो या आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी अपनी शादीशुदा जीवन हो या आपका रिलेशनशिप और लव लाइफ हो, इसमें किसी भी समस्या के लिए समाधान का आज आगाज होगा। ये दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। गौरी शंकरा बात कर चुके। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्रेम भरने का एक अद्भुत साधन है। लव्ड एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लाइफ में प्यार को पूरी तरह से आपका बनाने के लिए एक अद्भुत संयोग सुरक्षित करने का एक संस्थान है। आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दांपत्य लाइफ और आपकी अपनी जो प्रेम लाइफ है उसमें किसी भी प्रकार की समस्या का सीधा समाधान, या यूं कह लो तो जोड़ियां आसमान में बनती है, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव्ड एस्ट्रोलॉजी में है। यहाँ पर पिछले 200 सालों से लगातार निरंतर बार बार लोग धन्यवाद करते रहे हैं। अभी तक 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ रोज हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लाभ का परसेंटेज हमारे यहाँ 95% है। हाँ, कदाचित हम 5% लोगों का काम अभी नहीं भी कर पा रहे हैं, क्योंकि इंसान भगवान नहीं बन सकता। हम रास्ता दिखा रहे हैं, अन्य सारे के सारे जगहों से, चाहे वो कितनी बड़ी भी कंपनी हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज, चाहे तुम जो मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, टेलीविजन यूज करते हो, जो भी कुछ इस्तेमाल करते हो, उनका सक्सेस रेट 90% है, हमारा 95% है। तो मानवीय प्रवृत्तियों के आधार पर जितना किया जा सकता है उसके आधार पर हम बहुत टॉप पे हैं आज की डेट में। ये सब कृपा तुम लोगों की है और तुम लोगों का सहयोग और प्रेम है। आज जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके काम की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं, आज अगर आप चाहते हो कि आपका काम हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्यार, लव, रिलेशनशिप, ये सब कुछ ठीक हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके अपनी लव लाइफ में आप हमेशा उत्तीर्ण हो, आप चाहते हो कि आपका मनचाहा प्यार आपको मिले, अगर आप चाहते हो मनचाहा प्यार आपको ही मिले, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्यार से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ रहे ही ना, कोई धोखा ना दे, कोई फरेब ना करे, कोई प्रपंच ना करे, कोई आडंबर ना करे, कोई पाखंड ना करे और कोई तुम्हें छोड़कर ना जाए, कोई वादा खिलाफी ना करे, कोई आपके इमोशंस का फायदा ना उठाए, कोई आपकी फीलिंग्स को छल के ना चला जाए, कोई छलिया ना बन जाए, क्योंकि भाई ये बात हृदय की है, ये बात दिल की है, ये बात तुम्हारे एहसास और तुम्हारे फीलिंग्स की है, क्योंकि भाई प्यार तो भगवान का रूप है, प्यार तो ईश्वर का रूप है। आज मैं कह रहा हूं कि कागज के ऊपर एक नंबर और एक अक्षर, कागज के ऊपर एक नंबर और ये अक्षर लिख करके जला देने मात्र से, जलते ही इसके धुएं से और इसकी आग की तपन से आपका काम होगा। ये ताबीज की करामात है और ये थोड़ा तांत्रिक प्रयोग है, लेकिन इसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। आप बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को क्या करवाना है। मुझे सफलता और असफलता हमेशा शिष्य के हाथ में होती है, गुरु के हाथ में नहीं। गुरु सिखाता अच्छा है, गुरु बताता अच्छा है, गुरु मार्ग अच्छा देता है, साधन अच्छा देता है, संपत्ति अच्छी देता है, व्यवस्थाएं अच्छी देता है, करना तुम्हारे ऊपर होता है। आज हमारे यहाँ 95% का जो सक्सेस रेट है वो तुम्हारी वजह से, तुम अच्छे तरीके से करते हो, मेरे उपाय अच्छे हैं इसमें संदेह नहीं, पर तुम अच्छी तरीके से करते हो इसमें भी कोई संदेह नहीं है, तुम बड़ा मन लगा के करते हो, तुम सच्चे प्रेम में हो इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम सब सच्चे हो इसलिए तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। अपनी सच्चाई को प्रूफ करो, अपनी सच्चाई के साथ लगो,
जल्दबाजी मत करना, आपाधापी मत करना, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं। पर जब तक तुम सोचते रह जाओगे तब तक तो वो धैर्य वाली चीज स्टार्ट ही नहीं होगी। एक बार प्रारंभ होने दीजिए तो उसके बाद धैर्य रखिए। केवल घर में बैठ के चिंतन मत करिए, इस व्यवस्था का आगाज कीजिए ताकि एक नया अंदाज बने तुम्हारा, है ना। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। एक व्हाइट पेपर ले लीजिए। व्हाइट पेपर आपको लेना है 8 अंगुल का, 4 इधर 4 इधर ऐसे नाप लीजिएगा। 8 अंगुल का आपको व्हाइट पेपर लेना है और उसको 2 भागों में विभक्त कर देना है। यानी पहले एक पूरा का पूरा बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स को बीच से काट दीजिए, 2 छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे। पहले बॉक्स में आपको 99 लिखना है और दूसरे में रम लिखना है, रा के ऊपर अंकार की बिंदी लगा देना है मात्र। अब इसको बीच से फोल्ड करना है, रम के ऊपर आपको सिंदूर लगाना है और जो आपने 99 लिखा है वहां आपको हल्दी लगाना है। वो लगा के गीला करके लगाइएगा, किसी भी चीज से गीला कर सकते हो, दूध से गीला कर सकते हो, घी से कर सकते हो, तेल से कर सकते हो, जैसे आप चाहे। सिंदूर में पानी नहीं डाला जाता, ध्यान रखिएगा। गीला करके लगा लें और आपस में बीच से मोड़ के एक कर दें। अब आपका वो रम और 99 एक हो जाएंगे। एक होने के बाद अपने ऊपर से 3 बार उतारिए, अपनी मनसा, अपनी इच्छा, अपना मनोरथ मन में बोलिए और उसे पूरा का पूरा जला दीजिए। जला देने के बाद जो वो राख बचेगी उसको अपने नाभि के ऊपर पूरा गोला बना दीजिए उस राख से। फिर स्नान करिए। ये काम आप रात्रि में करें तो सुबह स्नान कर सकते हैं और सुबह करें तो सुबह ही स्नान कर सकते हैं। इस कार्य को सिर्फ और सिर्फ आप बुधवार नहीं कर सकते, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं। बुधवार अवॉइड कीजिएगा, बाकी कभी भी किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, पूरे मन से करना, पूरे ढंग से करना और देखो इस उपाय से त्वरित लाभ होता है। इसमें शक्ति बहुत है, एनर्जी बहुत है, पावर बहुत है। आपको कितना मिलता है वो तुम्हारी पात्रता पर डिपेंड करता है। बहुत ध्यान रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। खूब पानी पीजिए, आधे घंटे में प्रणाम करके मुस्कुरा के खूब मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। एक बार सिर्फ रोने से, सिर्फ एक बार रो देने से 21 दिन खराब हो जाता है। आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। तो मुस्कुराइए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। तुम रहोगे तो सब ठीक होगा, तुम ही नहीं होगे तो ठीक कैसे होगा। पहले तुम तो ठीक हो जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखो। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।